हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज मैं आपके सामने स्टार्ट करने वाला हूं जो नेक्स्ट टॉपिक है फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन लाइक फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन पे जो मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूं। इससे पहले मैं सॉल्वेबल फॉर पी ले चुका हूं, देन सॉल्वेबल फॉर वाई मेथड ले चुका हूं और अब आज मैं लेकर लाने वाला हूं सॉल्वेबल फॉर एक्स मेथड। और स्टूडेंट मेरे जो डिफरेंशियल इक्वेशन पे फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सीरीज सॉल्यूशन सभी की वीडियोस यहां पे अपलोडेड है। उसके अलावा भी जो बीएससी और इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए जो कंटेंट है वो भी यहां पे आप देख सकते हैं, लाइक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, वेक्टर है, मैट्रिसेस है, फूरियर ट्रांसफॉर्म है, फूरियर सीरीज है और भी मेरे बहुत सारे वीडियोस यहां, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन, मैक्सिमा मिनिमा और सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल आई मीन डबल इंटीग्रेशन है, देन वॉल्यूम सरफेस है, कर्व ड्रेसिंग है, एसएम डॉट है। सो प्लीज़ आप देख सकते हैं यहाँ आईटीप पे अपलोडेड है। और देखिए स्टूडेंट यहाँ पे इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर एक्स को किस तरह से हम करते हैं। इफ द गिवन इक्वेशन एफ एक्स वाई पी इज इक्वल टू जीरो सॉल्वेबल फॉर एक्स इफ वी कैन एक्सप्रेस दिस इन दिस ना, लाइक पहले हमने लिखा था वाई इज इक्वल टू समथिंग में अगर हम लिख सकते हैं, अगर एक्स इज इक्वल टू इस फॉर्म में हम अगर लिख पा रहे हैं तो उसको हम सॉल्वेबल फॉर x से करेंगे, राइट। जैसे अब यहाँ आप बोलोगे सर ये तो y is equal to लिखा हुआ है तो इसको तो ये solvable for y हुआ, पर भैया यहाँ पे y square भी लिखा हुआ है तो उसको हम solvable for y नहीं कर सकते, यहाँ पे सिर्फ x एक बार आ रहा है, यार x एक बार आ रहा है तो solvable for x है, y एक बार आ रहा है तो solvable for y, ध्यान रखिए आप, राइट। सो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, x एक बार आ रहा है तो इसको आप इधर ले लीजिए तो ये आएगा 2px और मैं इसको ऐसा ले लीजिए सबसे बेटर है, तो ये आएगा 2px is equal to y minus y स्क्वायर पी क्यूब हो जाएगा, देन इसको क्या करें आप 2x को एज इट इज रहने दीजिए, p को डिवाइड कर दीजिए तो ये आएगा y बाय पी माइनस y स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। नाउ अब हम क्या करेंगे इसको स्टूडेंट डिफरेंशिएट करेंगे, क्लियर है। तो इसको जैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे तो विथ रेस्पेक्ट टू y है ना, नाउ क्या करेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू y है ना, पहले हम क्या करते थे जब सॉल्वेबल फॉर y में डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x करते थे, अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम y करेंगे, राइट। तो ये कितना आएगा देखो यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू y तो ये आएगा dx अपॉन dy, राइट। देन यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट यहाँ पे y भी है और 1 अपॉन p भी है तो सबसे हम y का करेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन p, देन फिर हम क्या करेंगे y को छोड़ेंगे और p का करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 1 अपॉन p स्क्वायर देन dp अपॉन dy हो जाएगा यहाँ पे, देन इसको भी हम करेंगे यहाँ पे तो सबसे पहले y स्क्वायर का करेंगे तो स्टूडेंट ये आएगा 2y p स्क्वायर, देन y स्क्वायर को छोड़ेंगे और इसका करेंगे तो कितना आएगा 2p dp बाय dy आएगा, राइट। अब थोड़ा सा आप समझ लीजिए, देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि dy बाय dx इज इक्वल टू p होता है तो यार dx बाय dy इसका जस्ट उल्टा किसके बराबर होगा 1 अपॉन p के बराबर होगा, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे 1 अपॉन p रखेंगे, ये ध्यान देने की जरूरत है, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा देखिए ये आएगा 2 अपॉन p है ना, 2 अपॉन p आएगा बिकॉज dy बाय dx है ना उल्टा है, ओके दैट इज इक्वल टू 1 बाय p माइनस का y बाय p स्क्वायर dp बाय dy माइनस का 2y p स्क्वायर, देन यह क्या हो रहा है 2y p स्क्वायर dp बाय dy, राइट। तो ये यहाँ पे क्या करा मैंने 2 आगे लिख लिया, देन y स्क्वायर p dp बाय dy, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है देखो 2y यहाँ पे आ रहा 1 बाय p, देन y बाय p स्क्वायर dp बाय dy, देन माइनस का 2y p स्क्वायर, देन यहाँ पे कितना आएगा ये माइनस का 2y p 2y स्क्वायर 2y स्क्वायर p dp बाय dy, राइट। ये इस तरह से लिखेंगे, राइट। अब ये 2 बाय पी है, ये 1 बाय पी है ना, तो उसको उधर लेके जाइए तो 2 बाय पी है, इसको आप इधर ले आइए सबसे बेस्ट है, मैं इसको उधर लेके आता हूँ। तो 2 बाय पी में से 1 बाय पी गया तो कितना बचा 1 बाय पी, ये माइनस का इधर आएगा तो क्या आएगा 1 बाय पी स्क्वायर dp बाय dy प्लस 2y p स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर p dp बाय dy इज इक्वल टू 0, राइट। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे हमें कुछ कॉमन निकालना पड़ेगा और कॉमन निकाल के हम चेक करेंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं यहाँ पे हमें यहाँ पे प्रूव करना, हमें यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे कॉमन आ रहा है 2y और p कॉमन आ रहा है ना, y और p कॉमन आ रहा है, यहाँ कितना बच रहा है स्टूडेंट p बच रहा है प्लस यहाँ पे कितना बच रहा है यहाँ पे 2y p कॉमन आ गया तो ये बच रहा है y dp बाय dy बच रहा है ना। तो अपने को ऐसा कैसा यहाँ पे बनाना है तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे देखिए एक तो 1 बाय पी कॉमन निकाल दें, क्लियर है। तो आप यहाँ पे जैसे 1 बाय पी स्क्वायर कॉमन निकालना पड़ेगा तो ही काम हो पाएगा, तो 1 बाय पी स्क्वायर कॉमन निकालना पड़ेगा तो स्टूडेंट यहाँ पे कितना आएगा p और ये p स्क्वायर बाहर आ गया तो कितना आएगा y dp बाय dy। तो ये थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, जैसा ब्रैकेट यहाँ बन रहा है वैसे के वैसे यहाँ बनना चाहिए तभी हम कॉमन ले पाएंगे। सो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा पी वाई dp बाय dy कॉमन आ गया तो यहाँ बचा 1 बाय पी स्क्वायर प्लस 2yp इज इक्वल टू 0। पर स्टूडेंट मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे राइट और एक यहाँ से हमारे पास सॉल्व करेंगे तो यहाँ से p की वैल्यू आपको सीधी मिल जाएगी, राइट। अगर इसको मैं 0 रखता हूँ ना क्या आएगा 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 2yp इज इक्वल टू 0। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे अगर बात करूँ मैं तो पी क्यूब है ना
2i p cube is equal to minus 1, then यहाँ सब p की वैल्यू रखेंगे और p की वैल्यू रखेंगे तो कांस्टेंट नहीं आएगा हमारे पास अगर इस क्वेश्चन में रखता हूँ तो ये हमारा जो इसको हम नेगलेक्ट करेंगे बिकॉज यहाँ से हमें जनरल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, यहाँ से हम सिंगुलर सॉल्यूशन मिलेगा जबकि हमें यहाँ पे क्या निकालना जनरल सॉल्यूशन निकाला तो हम इसको बराबर जीरो पुट करेंगे तो ये आएगा पी वाई डी पी बाय डी वाई इज इक्वल टू जीरो। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ स्टूडेंट, ये इधर गया तो ये आएगा डी वाई अपॉन वाई प्लस डी पी बाय पी इज इक्वल टू जीरो, तो ये आएगा आपके पास लॉग वाई प्लस लॉग पी इज इक्वल टू लॉग सी। देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा आपके पास लॉग वाई पी इज इक्वल टू लॉग सी और यहाँ से कैंसिल हुआ तो ये कितना आएगा वाई पी इज इक्वल टू सी। तो स्टूडेंट यहाँ पे पी की वैल्यू कितनी आएगी सी बाय वाई आएगी और ये सी बाय वाई उठा के कहाँ रखेंगे हम यहाँ रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो सी बाय वाई उठा के रखेंगे तो ये आएगा वाई इज इक्वल टू टू, ये आएगा आपके पास सी बाय वाई एक्स है ना प्लस ये आएगा वाई स्क्वायर और ये पी क्यूब है तो ये आएगा सी बाय वाई क्यूब। देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट तो वाई देन ये आएगा टू सी एक्स अपॉन वाई प्लस ये वाई स्क्वायर से कैंसिल हुआ तो ये आया सी क्यूब अपॉन वाई, देन ये वाई इधर ले लीजिए आप तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू सी एक्स प्लस सी क्यूब। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन लेता हूँ उसके बाद इस टॉपिक को खत्म करता हूँ। सो स्टूडेंट एक लास्ट क्वेश्चन देखिए वाई स्क्वायर लॉग पी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई पी प्लस पी स्क्वायर, तो यहाँ पे भी देखो वाई दो बार आ रहा पर एक्स एक बार आ रहा है ना, तो एक्स एक बार आ रहा तो यहाँ पे ये क्या होगा सॉल्वेबल फॉर एक्स करेंगे है ना। तो देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे वाई स्क्वायर तो मैं इसको एक्स इधर ले लेता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू एक्स वाई पी इज इक्वल टू वाई स्क्वायर लॉग वाई माइनस पी स्क्वायर, देन हम क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू वाई पी को डिवाइड कर दीजिए तो ये आएगा वाई स्क्वायर लॉग वाई अपॉन yp माइनस पी स्क्वायर अपॉन yp आएगा। सो ये आएगा x इज इक्वल टू वाई से y से y कैंसिल हो गया स्टूडेंट तो यहाँ से हमारे पास आएगा y log y अपॉन p माइनस यहाँ p से p कैंसिल हो गया तो ये आएगा आपके पास p बाय वाई राइट। तो यहाँ पे इस तरह से हमारे पास ये टर्म आई, देन हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू y है ना, क्या करेंगे हम यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू y है ना, तो y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा dx एक्स बाय डी वाई है ना। सबसे पहले हम यहाँ पे देखो हमारे पास y है log y और p है तो तीन फंक्शन है तो मैं इसको u अपॉन v से कर सकता हूँ बेटर है। तो क्या करेंगे इस p को छोड़ा है ना डिफरेंशिएशन d बाय डी वाई ऑफ क्या आएगा यहाँ पे y log y माइनस क्या करेंगे हम y log y को छोड़ा है ना देन आएगा dp पी बाय डी वाई है ना डिवाइडेड बाय नीचे कितना आएगा p स्क्वायर माइनस। अब इसको भी वही आप क्या करेंगे p बाय वाई है तो इसको भी अपन u अपॉन v से कर सकते हैं वही सेम क्या होगा स्टूडेंट y को छोड़ा p का किया तो dp पी बाय डी वाई माइनस पी को छोड़ा y का करेंगे तो 1 आएगा डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना आएगा y स्क्वायर। तो स्टूडेंट देखिए हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं सो ये आएगा dx एक्स बाय डी वाई तो मैंने आपको बताया था इसकी वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन p होगी है ना डीवाई बाय dx p होता है तो dx एक्स बाय डी वाई क्या होगा 1 अपॉन p होगा क्लियर है। नाउ इसको क्या करते हैं अपन p इसको u अपॉन u इंटू v से करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट मैं किसका करता हूँ y का करता हूँ तो यहाँ कितना आएगा ये log y और फिर इस y को छोड़ा log y क्या होगा 1 अपॉन y तो y से y क्या होगा कैंसिल देन माइनस का y log y dp बाय dy और स्टूडेंट ये जो p स्क्वायर है इसको मैं इसके नीचे भी कर देता हूँ और इसके नीचे भी कर देता हूँ ठीक है अलग अलग कर दिया राइट माइनस का यहाँ पे क्या होगा इसको अलग इससे डिवाइड करेंगे तो y dp बाय dy अपॉन यहाँ पे क्या होगा ये y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस कितना होगा यहाँ पे p अपॉन y स्क्वायर। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे ये p से p क्या हो गया आपके पास कैंसिल हो गया देन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये आएगा 1 अपॉन p इज इक्वल टू log y अपॉन p स्क्वायर सॉरी p देन 1 अपॉन p देन यहाँ पे आएगा ये माइनस का y log y अपॉन p स्क्वायर dp बाय dy माइनस का यहाँ एक y से एक y कैंसिल हो गया तो ये आएगा 1 अपॉन y dp बाय dy प्लस p अपॉन y स्क्वायर ठीक है ये 1 अपॉन पी से 1 अपॉन पी क्या कर देंगे हम कैंसिल कर देंगे देन यहाँ पे देखिए आप ये जो टर्म आ रही इन दोनों को और इस वाले टर्म को एक साथ लिखेंगे तो मैं यहाँ थोड़ा सा लिख देता हूँ तो क्या आएगा देखो ये log y अपॉन पी और ये वाले टर्म दैट इज पी अपॉन y स्क्वायर एक साथ ले लीजिए देन ये टर्म को एक साथ ले लीजिए तो क्या होगा देखो यहाँ पर माइनस का y log y अपॉन पी स्क्वायर डी पी बाय डी वाई माइनस का 1 अपॉन y dp बाय dy राइट। तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ फैक्टर बनता हुआ दिखेगा
है ना. तो सबसे पहले मैं यहाँ से dp by dy कॉमन निकालता हूँ, है ना. तो dp by dy कॉमन निकालेंगे तो आपको एक तो y यहाँ पे क्या चाहिए, y पी स्क्वायर अपॉन p अपॉन y स्क्वायर चाहिए. तो कुछ ऐसा करें हम कि सीधा सीधा यहाँ पे कॉमन आ जाए. तो हमारे पास ऐसी कौन सी टर्म है जिसको हम ले सकते हैं, इन दोनों को एक साथ लेते हैं सबसे बेस्ट बनेगा. तो यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट देखो, log y अपॉन p कॉमन आया तो यहाँ बच रहा है 1, और यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट देखो, log y बाहर हुआ तो ये बचा आपके पास माइनस का y, देन यहाँ p बचा, देन ये बचा dp by dy. और यहाँ से स्टूडेंट क्या आ रहा है अपने पास p by y square, p by y square कॉमन निकाल दीजिए आप, है ना. तो ये बचेगा 1, और यहाँ पे p by y square कॉमन निकाला तो ये आएगा आपके पास माइनस का y by p dp by dy is equal to 0. जैसे इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो p से p कैंसिल, बिल्कुल 1 by y बचेगा, है ना. नाउ क्या होगा स्टूडेंट देखिए, 1 माइनस y by p dp by dy, एंड देन यहाँ आएगा आपके पास log y upon p plus p upon y square is equal to 0. तो या तो ये 0 के बराबर होगा या फिर ये 0 के बराबर होगा. तो जैसे हम इसको 0 के बराबर रखेंगे तो ये आएगा log y upon p plus p upon y square. तो यहाँ से आपके पास p की वैल्यू मिलेगी, और ये p की वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे तो हमें सिंगुलर सॉल्यूशन मिलेगा. ये हमारे काम का नहीं है क्योंकि हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है. मतलब ये बराबर 0 पुट करेंगे तो 1 upon p dp by dy is equal to 0. तो मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो ये आएगा dy upon y माइनस dp upon p is equal to 0. तो स्टूडेंट ये आएगा log y माइनस log p is equal to log c, है ना. देन ये आएगा आपके पास y by p is equal to c. तो अब ये 1 माइनस में तो 1 अपॉन आ जाएगा, राइट. तो यहाँ से आपके पास p की वैल्यू मिलेगी y by c, राइट, है ना. p उधर चला गया c. तो ये p की वैल्यू उठा कहाँ रखेंगे हम, यहाँ रखेंगे. तो यहाँ रख दीजिए आप, तो ये आएगा आपके पास इसका आंसर y square log y is equal to x y. और p की वैल्यू आपके पास कितनी स्टूडेंट, y by c है. देन यहाँ पे भी आपके पास क्या आएगा, y by c का होल स्क्वायर. तो ये आएगा आपके पास y square log y is equal to, यहाँ आएगा ये x square upon c प्लस y स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर. तो ये y स्क्वायर तो यहाँ कैंसिल हो रहा कॉमन निकल के, तो मेरा जो आंसर आएगा वो मैं यहाँ लिख देता हूँ आंसर. तो देखो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा log y is equal to x by c प्लस 1 अपॉन c स्क्वायर. ये हमारा आंसर होगा. तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सो स्टूडेंट मुझे लगता है मेरा जो बड़ा हुआ टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा. एक लास्ट टॉपिक और बचा हुआ है, दैट इज क्लोरीन फॉर्म, और उसको भी हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जिससे हमें क्वेश्चन देखते हैं हमें आइडिया लग जाएगा. तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने आपको समझाया सॉल्वेबल फॉर पी, सॉल्वेबल फॉर वाई, सॉल्वेबल फॉर एक्स. तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत इजी है, और इससे रिलेटेड और भी मेरे जो वीडियोस हैं वो ऑलरेडी यहाँ अपलोडेड है. सो स्टूडेंट यहाँ पे देख सकते हैं, और लास्ट वाली जो स्क्रीन है इन सभी पे मेरे पुराने जो भी वीडियो उनकी प्लेलिस्ट, लाइक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, B.Sc वाले, IIT-JAM है, और जो भी मैंने यहाँ पे कंटेंट अपलोड कर रखा हुआ आपको यहाँ दिखेगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज. और स्टूडेंट कमेंट्स शेयर लाइक करते रहिए, और आगे आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलता रहेगा. थैंक यू सो मच.